आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। हम लोग परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम लोग को फिर से ऑनलाइन संडे स्कूल में जुड़ने का मौका दिया और हम कुछ एक प्रोग्राम को देखेंगे और आशीषित होंगे। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस दिन को दिखाया। हम सभी जबकि संडे स्कूल के प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं उसमें आपकी आशीष को चाहते हैं। जितने लोग जुड़े थे सभी को आशीषों को पा सके परमेश्वर पिता, और जितने प्रोग्राम्स को करते हैं उसमें आप हमारी हेल्प करना। आगे की सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नाम से करते हैं, आमीन। मेरा यीशु है भला, करता मेरी रखवाली सदा। मेरा यीशु है भला, करता मेरी रखवाली सदा। मेरे आंख का हर आंसू जो बहता है, वो पोछे मेरे आंसू और मुझको गले लगाता। मेरा ये करता मेरी रखवाली सदा। जब होता हूँ मैं गिरने वाला, जब होता हूँ मैं गिरने वाला, वो प्यार से मुझे उठाता और गले अपने लगाता। मेरा ये हुआ शैतान मेरे जूतों के
घटी नहीं है, घटी नहीं है, मेरे जीवन में कुछ भी घटी नहीं है। घटी नहीं है, घटी नहीं है, मेरे जीवन में कुछ भी घटी नहीं है। जोशवा 000 में जरूर जुड़िए। थैंक यू। आज हम आपके सामने बाइबल की चिरपरिचित घटनाओं को लेकर के आए हैं और चाहते हैं कि आप इसे बड़े ध्यान से देखें और पहचानें कि ये कौन सी घटना है। साथ ही साथ हम आपसे निवेदन करते हैं कि लाइव चैट में आप हमें इस घटना की जानकारी दें कि ये कौन सी घटना है और ये भी जवाब दें कि ये बाइबल की कौन सी पुस्तक में और किस अध्याय में पाया जाता है और बच्चे हमारे साथ इसमें शामिल हों जवाब दे करके। और आइए हम सब मिलकर के इस खूबसूरत घटना को देखें और इससे शिक्षा को प्राप्त करें। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं?
उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह अब जानता था कि वह क्या करेगा। उसके चेलों में से शमौन पत्रस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, तब लोग जिसमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। सो हम सभी ने बाइबल की इस सुप्रसिद्ध घटना को देखा और इस बात को जाना कि एक छोटे लड़के ने अपना सब कुछ यीशु के हाथ में सौंप दिया, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि उस छोटे लड़के के साथ साथ हजारों लोगों ने उस रोटी और मछली के द्वारा आशीषों को प्राप्त किया। तो क्यों ना हम छोटे बच्चे भी उस छोटे लड़के से इस शिक्षा को प्राप्त करें कि हम भी अपना जीवन, अपना दिल, अपना सब कुछ मसीह यीशु को अर्पित करें और अपने लिए आशीष कमाएं, अपने परिवार के लिए आशीष कमाएं, अपनी कलीसिया के लिए और पूरी पृथ्वी के लिए हम आशीष का कारण ठहरें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद 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 देते हैं सर, आपने अब तक समाधि रखा उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि इतना सर हमारे संडे स्कूल के इतना सर हमारा संडे स्कूल इतना सर और आगे बढ़ सके, और इतना सर हमने जितने भी प्रोग्राम किए इतना सर वो सब इतना सर देख के आशीषित हो सके इतना सर, और इतना सर हम लोग आगे प्रोग्राम अच्छे से कर सके और आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ सके, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त होता है और हमारी मुलाकात आपके साथ हर शनिवार शाम 7 बजे ज़रूर होगी। आप अभिजोशवा 000 में हमें देख सकते हैं, हमारे साथ मुलाकात कर सकते हैं। सो आने वाले समय के लिए बाय।